नमस्कार, आज बात करते हैं देश में होने वाली घटनाओं की, आतंकवाद की। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो या साउथ हो, चाहे उनको शहीद करने वाले बाहर के टेररिस्ट हों, चाहे अंदर के हों, चाहे नक्सल हों, चाहे किसी और बाहर की ऑर्गेनाइजेशन की। जब एक जवान लड़ता है, बॉर्डर पे जाता है, कॉल ऑफ ड्यूटी में जाता है, वो एक ड्यूटी बाउंड होता है। हमारे जवान का कोई धर्म नहीं होता, वो देश सेवा के लिए लड़ता है और इकट्ठे लड़ते हैं सभी, लड़ाई के मैदान में, इंसर्जेंसी में, पेट्रोलिंग में, रोड ओपनिंग पार्टीज में, सभी लोग मिलके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं। ना कोई स्टेट का मसला होता है, ना कोई धर्म का मसला होता है। फिर कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी बॉडीज पहुंचती हैं उनकी स्टेट में। यहाँ उनको भारतीय से स्टेट के बना दिया जाता है, धर्म के बना दिया जाता है और अपनी अपनी स्टेट में उनका वहाँ के माहौल के हिसाब से मान सम्मान होने लगता है और पॉलिटिशियनों द्वारा यही बयान आते हैं, कड़ी निंदा, अब सख्त होंगे, इसे नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे बयान हम सुनते रहे हैं और शायद सुनते ही रहेंगे। शहीदों की बॉडीज आती रहेंगी, स्टेट में जब पहुंचती हैं तो सम्मान के लिए जहां तो इलेक्शन है, होड़ लग जाती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, और जिस स्टेट में इलेक्शन नहीं होती तो एक ये छोटा इवेंट होता है, एक तिरंगा उसके ऊपर डाल के फर्ज पूरा कर दिया जाता है और कोई छोटा मोटा नेता या वहाँ का कोई छोटा मोटा SDM उसको आके ये कार्रवाई पूरी कर देता है। ये सम्मान इलेक्शन और वोट बैंक की तरह बदलता रहता है। ऐसा ही अभी बिहार, हिमाचल या बाकी स्टेट में देखने को मिला जब ये घटना CRPF की हुई। क्यों होती है ऐसी घटनाएं? क्या कमी है हमारे में आतंकवाद? क्या हम लड़ने में सक्षम नहीं? क्या हमारी प्रॉब्लम LTT से बड़ी है? LTT का नाम आपने सुना होगा, आधे श्रीलंका पे कब्जा किया था उन्होंने, पूरा अपनी सरकार चलाते थे वो एक श्रीलंका के एरिए में, उनके पास हवाई जहाज थे अपने, अपनी बोट्स थी, अपना कैडर था। हमारी आर्मी भी वहाँ गई पर हम उनके लीडर को नहीं पकड़ पाए। उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वहाँ भी यही था, जब हम पकड़ना चाहते तो समझौते होते थे, बातचीत होती थी और जब वो बातचीत टूट जाती थी फिर उनको पकड़ने के हम कोशिश करते थे। क्या आज हमारे जो मिलिटेंट संगठन है, चाहे वो नक्सल हो, चाहे J&K में हो, चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट में हो, उल्फा हो, कोई हो, क्या वो LTT से बड़े हैं? फिर क्यों हम कमजोर पड़ रहे हैं? आपके आतंकवाद को कौन संभालेगा, कौन लड़ेगा उनसे? आज सेना का जवान हो, CRPF का जवान हो, उसके हाथ में बंदूक तो है पर बंदूक चलाने से वो डरता है। क्यों? उसे डर है कि उसकी चलाई हुई गोली से कुछ भी हुआ तो कल को उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या उस पर इतना प्रेशर होगा। ये डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पे क्यों? ये डर मिलिटेंट पे क्यों नहीं? ये नक्सलियों पे क्यों नहीं? ये उल्फा पे क्यों नहीं? वो लोग क्यों नहीं डरते सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी और उसकी बंदूक से? क्यों नहीं डरते वो? क्योंकि आपने उनका डर कम कर दिया है। आपकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ना कोई ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, ना UNO आएगा, ना अमेरिका आएगा, ना रशिया आएगा। कौन आएगा? आपकी खुद की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी होंगी, पर उसके लिए आपको उन्हें शक्ति देनी होगी, अधिकार देने होंगे और भरोसा रखिए उन पे, आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बहुत बढ़िया है, वो कोई वायलेशन नहीं करेंगे, पर उन पे भरोसा करिए, उन्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करने का भरोसा दीजिए ताकि वो अपनी खोई हुई प्रेस्टीज को दोबारा ला सके और जब उनकी प्रेस्टीज वापस आएगी तो मिलिटेंटों की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। वो घरों से निकलने से डरेंगे, वो लोकल लोगों को भड़काने से हटेंगे, वो इनोसेंट लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाने से हटेंगे, क्योंकि आपको सख्त होना पड़ेगा। ये आपका मुल्क है, आपको समझाना पड़ेगा, जात पात से ऊपर, स्टेट से ऊपर निकल के, धर्म के मामलों से ऊपर निकल के देश के लिए खड़े होना पड़ेगा।
और सारी पॉलिटिकल पार्टी को जब भी कोई कार्रवाई होती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो कोई और ऑपरेशन हो, उस पर किंतु परंतु करना बंद करना होगा, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र धर्म है। पहले हमारा राष्ट्र धर्म है, हम भारतीय हैं, पहले अपने राष्ट्र धर्म को पहचानिए, बाद में अपने अपने धर्म को पहचानिए। हम एक भारतीय होने के नाते हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सल्यूट करें, उनको सपोर्ट करें और उन्हें अधिकार दें ताकि वो इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। जय हिंद।